हे गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई लव डिजाइन। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक और टिप्स एंड ट्रिक्स की सुपर इजी क्लास लेके आया हूँ। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। आज मैं आप लोग के लिए चार ऐसी ब्यूटीफुल और प्रोफेशनल जो है वेबसाइट्स लेके आया हूँ। यहाँ से आप जो है अनलिमिटेड PNG इमेजेस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत ईजी इसका इंटरफेस है और यहाँ आपको सारी चीजें कैटेगरी वाइज मिलेंगी और इसमें आप अनलिमिटेड रिसोर्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि PNG इमेजेस होता क्या है। PNG इमेज होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, मींस ऐसी इमेजेस जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड ना हो, उसको PNG इमेज कहते हैं। PNG इमेज का यूज डिजिटल क्रिएटर में सबसे ज्यादा किया जाता है, मींस कि ग्राफिक डिजाइन फील्ड में सबसे ज्यादा हम PNG इमेजेस का ही यूज करते हैं। चाहे हम कोई बैनर बना रहे हों, चाहे हम कोई वीडियो में कुछ अगर एसेट्स हम लगा रहे हों, तो बहुत सारी चीजें हैं ग्राफिक्स के अंदर जहां हम सबसे ज्यादा जो है PNG इमेज का ही हम यूज करते हैं। तो इसी चीजों को ध्यान रखते हुए मैंने आप लोग के लिए चार ऐसी वेबसाइट जो है सर्च करी है, जो आप लोग के लिए वाकई बहुत ज्यादा काम आने वाली है। यहां से आप अनलिमिटेड डाउनलोड करो, अनलिमिटेड इसको यूज करो। सबसे बढ़िया बात इस वेबसाइट की है कि आप इनको कमर्शियली इनको यूज कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो कौन सी वेबसाइट है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, कैसे सर्च करना है, तो सारा कुछ जानने के लिए हमको चलना होगा अपनी क्लास की तरफ। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल आई लव डिजाइन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहाँ इस रेड बटन को आप दबा के सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इसके बेल आइकन को आप ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन जो है आप लोग तक पहुंच जाए और आप लोग उस चीज को देख सकें, समझ सकें, सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट हमारी जो वेबसाइट है वो हमारी है freepngimg.com। तो जो फर्स्ट वेबसाइट हमारी है freepngimg.com, ये वेबसाइट है। इसमें आप सबसे पहले ऊपर की तरफ देखेंगे तो कुछ इसके मेन्यू हैं, यहाँ पे फ्रेम्स वगैरह हैं, आइकन है, कलर है। आप पर्टिकुलर एक चीज को सेलेक्ट करके आप यहाँ से उसके अकॉर्डिंग जो है इमेजेस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने इमेज को अपने आइडिया के अनुसार यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट जो है कैटेगरी बनी पड़ी है, लाइक शॉप, आईफोन, फ्लावर, ब्लैक, सब्सक्राइब, ब्रांड, सनग्लासेस, बैकग्राउंड, लाइट, कार, टैटू एंड क्रिसमस। थोड़ा सा अगर नीचे की तरफ आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ आपके सामने कुछ कैटेगरी बनी पड़ी है, जैसे कि इमोजी, सनग्लासेस, ट्री, टैटू। मैं किसी एक पे अगर क्लिक करके आप दिखाऊं, जैसे मैं टैटू पे क्लिक करता हूँ, तो मैं टैटू पे जैसे क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरा एक नया पेज ओपन होगा और यहां से आपको रिलेटेड जो है कैटेगरी आपको शो होगी। और थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो हमारे पास ये PNG टैटूज जो है आपको दिखेंगे। ये बिल्कुल प्रोफेशनल है और बिल्कुल हाई क्वालिटी में आपको मिलेंगे। तो अब मैं किसी एक पे अगर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे इसको मैंने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से मेरे सामने जो है टैटू मेरा मुझे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये कितना फिनिशिंग है और कितना प्रोफेशनली लग रहा है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ अगर आप फ्री डाउनलोड PNG पे करें तो आप यहाँ से इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप PNG टू JPEG चाह रहे हैं कन्वर्ट तो आप ये भी कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड इन डिफरेंट साइज आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप आइकन के तौर पर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से आइकन भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल है, आप डाउनलोड करने से पहले जरूर इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी कुछ इसकी जो भी टर्म्स कंडीशन, जो भी इसकी डिटेल्स, इसके बारे में जो लिखा हुआ है, डाउनलोड करने से पहले आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि इसका इमेज नेम टैटू PNG है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस इमेज को। और इसका रेजोल्यूशन इसका ये है, इसका CC लाइसेंस है, क्रिएटिव कॉमन्स। साइज इसका ये है, इसको रेटिंग इतनी मिली है और इसके जो ऑथर है वो ये है। तो आप चाहे यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो कलर इसका दिया गया है वो ये कलर है। तो अगर आप सिंपल यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करें तो आप इस इमेज को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वापस होम पे आ रहा हूँ तो, और मैं अगर आपको दिखाऊं होम पे ही, तो जैसे कि नीचे की तरफ अगर आए तो यहाँ ट्री, नेचर इसकी जो कैटेगरी बनी हुई है, तो नीचे की तरफ आएंगे तो नेचर से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सब यहाँ पे आप लोग को शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो पेड़ है,
देख सकते हैं कि इनकी जो पीएनजी इमेज हमें मिल रही है वो कुछ इसके सैंपल्स यहाँ नीचे हैं। मैं अगर किसी एक पे क्लिक करूं तो लाइक दिस आप देख सकते हैं कि कितनी गुड क्वालिटी और कितनी प्रोफेशनली तरीके से जो है काम किया हुआ है इस पे। आप इन इमेजेस को जो है कहीं भी डाउनलोड करके इनको जो है यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रोफेशनली है और बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में है। तो एक वेबसाइट आप लोग के लिए ये थी। और जो आप यहाँ से कलर वाइज भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अगर येलो सेलेक्ट करूं तो मैं येलो से रिलेटेड जो भी मेरे पास इमेजेस होंगी टॉप में वो यहाँ सब आपको जो है शो हो जाएंगी। आप देख सकते हैं जैसे कि रिबन है, टी शर्ट है, और ये ऑरेंज है, ऑरेंज पीएनजी, ग्रैप्स, स्टार, कुछ जो भी मतलब हमारे कलर के अकॉर्डिंग जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी आपको शो हो जाएंगी। अगर यहाँ पर नेक्स्ट करें तो और भी इसके अंदर पेजेस दिए हुए हैं। अब यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट करके यहाँ से और भी चीजें देख के डाउनलोड जो है कर सकते हैं। तो अगली हमारी वेबसाइट क्या है, अगली हमारी है पीएनजी। हमारी जो अगली वेबसाइट है वो है freepngs.com। तो आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो इमेज होती है उसके पीछे जो कोई बैकग्राउंड ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, उसको हम पीएनजी इमेज कहते हैं। तो यहाँ भी आपको एग्जांपल के तौर पर समझाया गया कि ये हमारी एक तरह से पीएनजी इमेज है। मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कलेक्शन दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पे, जैसे स्टॉक फोटोग्राफी का है और पीएनजी कोलाज है, क्लिप आर्ट कलेक्शन है, और कुछ सोशल आइकन दिए पड़े हैं हमारे यहाँ पे। जैसे फ्रेम पे अगर आप आएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ कुछ कैटेगरी बनी पड़ी है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, क्लोदिंग, कार्टून। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी यहाँ मेरे पास सब मुझे शो होना शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं जैसे बैटरी हो गया, 360 कैमरा, तो जो भी तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो यहाँ पे आपको सब शो हो जाएंगी। अगर मैं किसी एक इमेज पे क्लिक करूँ, लाइक मैं इस कैमरे पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे मेन बात ये हाई क्वालिटी इमेजेस हैं और बहुत ही प्रोफेशनली जो है इन पे काम किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने उस कैमरे पे क्लिक किया तो यहाँ मेरा कैमरे की फोटो जो है अपलोड यहाँ पे मेरे को शो हो जाएंगी। कैमरे जितने भी कैमरे की फोटोज होंगी वो सब यहाँ पे आप लोग को शो होना शुरू हो जाएंगी। बहुत बारीकी से काम किया हुआ है, बहुत प्रोफेशनली है और बहुत ही हाई क्वालिटी में आपको यहाँ पे चीजें मिलेंगी। तो अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपली आप किसी एक इमेज पे क्लिक करिए या फिर आप राइट क्लिक करके भी इनको जो है सेव कर सकते हैं। बट तो आप जैसे किसी इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो है कैमरे की इमेज ओपन हो चुकी है। आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए। अगर आप इसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो इस यहाँ पे क्रॉस बटन पे आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इस डाउनलोड आइकन पे क्लिक करना है, आपकी इमेज जो है डाउनलोड हो जाएंगी। ये बहुत ही हाई क्वालिटी इमेज है और बहुत ही प्रोफेशनली इन पे काम किया गया है। तो अगर वापस हम कैटेगरी की तरफ अगर वापस आए तो आप देख सकते हैं कि और भी नीचे कुछ कैटेगरी बनी पड़ी है। ये तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कैटेगरी थी। मैं वापस अगर बैक आऊं इस तरीके से तो और भी इसके अंदर आप लोग कुछ चीजें जो है देखने को मिलेंगी। मैं अगर नीचे की तरफ स्क्रॉल करूं तो आप देख सकते हैं जैसे अगर आप गेमिंग से संबंधित इमेज चाह रहे हैं तो वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। फर्नीचर के लिए भी है, इंसेक्ट के लिए है, जैसे कि हम स्टूडेंट के लिए हम जैसे कुछ अगर बुक्स वगैरह डिजाइन करते हैं तो वहां अक्सर हमें पीएनजी इमेज की जो है इमेज जरूरत वगैरह आपको पड़ती रहती है। तो आप यहां से जो है अनलिमिटेड जो है फाइल डाउनलोड करके उनको यूज कर सकते हैं। बट मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा कि आप कोई भी इमेज डाउनलोड करने से पहले उसका लाइसेंस टर्म्स जो है जरूर पढ़ लें। और नीचे की तरफ यहाँ पे आए तो म्यूजिक से संबंधित चीजें हैं, नेचर, और अगर आप नंबर से संबंधित कुछ पिक्चर्स चाह रहे हैं तो वो भी है, स्पोर्ट्स पे भी है। तो बहुत सारी कैटेगरी बनी पड़ी है, आप जरूर एक बार इन वेबसाइट पे विजिट करके जरूर इनको चेक करिए। आपको जो है बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है और भी सबसे अच्छी बात कि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और अनलिमिटेड आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन जो है मिल रहा है। तो आई होप आपको ये वाली वेबसाइट भी जो है पसंद आई होगी। जो थर्ड हमारी वेबसाइट है मैं आपको ले चलता हूँ हमारी pngimg.com। जो हमारी थर्ड वेबसाइट है वो है pngimg.com। यहाँ पे अगर आप आए तो यहाँ से आप इनका लाइसेंस वगैरह जो है पढ़ सकते हैं। अगर आप इस वेबसाइट से अगर खुश हैं तो आप कुछ यहाँ पे डोनेट भी जो है कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने हिसाब से कुछ पिक्चर्स अगर आप चाह रहे हैं जो आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। बट यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, यहाँ से आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आपको चीजें मिलेंगी। जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको कुछ एनिमल से संबंधित जो है 5574 इमेज आपको मिलेंगी, नेचर से रिलेटेड लगभग आपको
3000 इमेज मिलने वाली है और फ्रूट एंड नट्स पे संबंधित 1809। तो और भी चीजें आपको मिलेंगी। आप यहाँ अगर किसी भी कैटेगरी पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो जैसे अगर मैं यहाँ से मैं अगर चिकन पे क्लिक करूँ या फिर कोबरा पे अगर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्नेक्स की जो इमेज होगी वो बहुत सारी आपको मिलने वाली है। आप यहाँ सिंपली अगर आप चाहें इमेज को प्रीव्यू करके तब डाउनलोड करना, तो आप इस पर क्लिक करें और प्रीव्यू करके डाउनलोड कर लें, अदरवाइज आप सिंपल यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका रेजोल्यूशन शो होगा कि इसका रेजोल्यूशन क्या है, और यहाँ आपको फाइल साइज जो आपका शो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कुछ वेक्टर फॉर्मेट में भी है और कुछ वैसे क्लिकेबल इमेज भी है, तो ये हाई क्वालिटी में है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी यहाँ से भी आप जो है सर्च जो है कर सकते हैं। मैं अगर वापस बैक आऊं तो, और अगर हम नीचे सर्च करें, अगर हम फ्रूट एंड नट पे अगर सर्च करते हैं, लाइक मैं अगर ब्लैकबेरी पे क्लिक करूं, तो ब्लैकबेरी से संबंधित जो भी इमेज यहाँ पे होंगी वो सब आप लोग को यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं, मैं आपको एक बार जूम करके दिखाता हूँ। इसे मैंने इसको क्लिक किया तो एक नई विंडो में खुलेगा ये, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इस इमेज की क्वालिटी ये बहुत अच्छी क्वालिटी में है और बहुत हाई क्वालिटी में है। आप सिंपली इसको जो है राइट क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड जो है सेव कर सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप यहाँ से डाउनलोड ना करके आप सिंपली इस बटन से जो है डाउनलोड करें, यहाँ आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो मैं वापस बैक कर रहा हूँ इसको, और वी कैटेगरी इसके अंदर है। अगर मैं यहाँ से स्टोन या फिर कुछ विंटर या फिर सन से रिलेटेड जो चीजें सर्च करूंगा, तो वो भी मुझे यहाँ पर शो होने वाली है। एंड इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, अगर मैं एक एक करके अगर आपको बताने बैठूं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि आप बोर होना शुरू हो जाए। तो बहुत सारी कैटेगरी हैं, आप इनको एक बार चेक करके जरूर देख लेना। और नीचे की तरफ आप देख रहे हैं कितनी सारी कैटेगरी आपको शो हो रही है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हर पर्टिकुलर एक वर्ड के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो है कैटेगरी बनाई गई है। फ्लावर से संबंधित है, क्लोदिंग से है, ऑब्जेक्ट से है, और फैंटेसी, रिलेशन, टेक्निक, पीपल, बहुत सारी चीजें हैं। आप इनको चेक करके देखना, आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। और जैसे आप लोगों से संबंधित देखेंगे तो एडिडास, अमेजोन, एंड्रॉयड, एप्पल, तो जो ब्रांडेड यहाँ पे चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आई होप आप लोग को ये वेबसाइट भी जो है पसंद आई होगी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इन वेबसाइट पे जरूर विजिट करें और इनको देखें, आपको वाकई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और आपको इन चार वेबसाइट के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहीं अवेलेबल मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये तीनों वेबसाइट जरूर पसंद आई होगी। और चलते हैं चौथी वेबसाइट की तरफ, जो मेरी सबसे ज्यादा मेरी फेवरेट है, वो है pngmart.com। मैं सबसे ज्यादा यहाँ से जो है इमेजेस उठाता हूँ, और बहुत अच्छी वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज सारी चीजें मिलेंगी, टॉप सर्च में क्या है उसकी कैटेगरी भी आपको मिलेंगी। जो आज के टाइम पर जो लोग टॉप में सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको चीजें मिलने वाली है, जैसे इमोजी हो गया, एनिमल्स या फिर फ्लावर्स, एब्स्ट्रैक्ट इमेज, वेब डिजाइन, हार्ट ड्रिवन, जो भी आप सर्च करेंगे आपको सब मिलने वाला है। नीचे अगर आप आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी। अगर आप कुछ फ्रेम डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जो है फ्रेम भी डिजाइन कर सकते हैं। कुछ कार्टून करेक्टर अगर आप चाह रहे हैं तो कार्टून करेक्टर मिलेगा आपको। एनिमल से संबंधित चीज आ रहे हैं तो भी आपको मिलेगा। एंड फैशन, फैंटेसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेलिब्रिटीज, तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। जैसे अगर हम फूड की अगर बात करें, मैं अगर फूड पे क्लिक करूं तो यहाँ फूड से जो है संबंधित बहुत सारी आपको कैटेगरी मिलेगी। और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको जो है इमेजेस आपको शो हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं जैसे फ्रेश बेकरी पीएनजी, तो यहाँ से आप जो है इस बटन पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके यहाँ से इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इमेज मिलेंगी। अगर मैं किसी एक इमेज पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी हाई क्वालिटी की पिक्चर है और इनकी फिनिशिंग भी काफी गुड है। और नीचे कुछ इसके डिटेल्स हैं जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और इमेज का जो लाइसेंस है, फ्री फॉर पर्सनल यूज ओनली, कमर्शियल यूज नॉट अलाउड। तो मैं जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप किसी भी इमेज को डाउनलोड करके यूज करने से पहले आप उसको उसके टर्म्स कंडीशन को जरूर पढ़ लें कि वो कमर्शियल यूजेस है या नहीं। इसमें लिखा है फ्री पर्सनल यूज, आप अपने पर्सनली इसको यूज कर सकते हैं। आप किसी ब्रांड के लिए, किसी प्रमोशन के लिए, किसी कंपनी के लिए आप इसको यूज जो है नहीं कर सकते हैं। तो आप जरूर इस चीज को पढ़ लें लाइसेंस को। तो मैं वापस बैक आ रहा हूं, और नीचे की तरफ अगर हम देखें
यहाँ तो नीचे आप भी आपको बहुत सारी कैटेगरी मिलने वाली हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एनिमल्स पे अगर आऊँ तो यहाँ मैं एनिमल पे अगर क्लिक करता हूँ तो एनिमल्स से संबंधित बहुत सारी इमेज जो हमको यहाँ पे मिलने वाली है। और इसके साथ आपको एनिमल्स की जो है कैटेगरी भी आपको मिलती है। आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को सिलेक्ट करके वहां से उसकी इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ सर्च करके अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो आप नीचे की तरफ देखेंगे, तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एनिमल्स से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सब आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ से आप किसी एक चीज पे अगर जैसे आप डक से संबंधित पिक्चर चाह रहे हैं तो आप डक पे क्लिक करेंगे तो डक की जितनी भी पीएनजी इमेज होंगी वो सब यहाँ पे आप लोग को शो हो जाएंगी। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये चारों वेबसाइट जो है पसंद आई होगी और बहुत ही ईजी इंटरफेस है और बहुत ही आप इसको ईजी जो है इसको आप यूज कर सकते हैं। वेबसाइट को इसका बहुत ही ईजी इंटरफेस है और बहुत सारी यहाँ पे इमेज आपको मिलेंगी और डाउनलोड आप यहाँ से अनलिमिटेड कर सकते हैं। बट मैं आपसे फिर कहूंगा कि आप डाउनलोड करके उसको यूज करने से पहले आप उसके लाइसेंस को जरूर पढ़ लें कि वो कमर्शियल यूज है या नहीं, तभी आप उसको कमर्शियली इसको यूज करें। अदरवाइज आप उसको पर्सनली एज ए प्रैक्टिस उसको जो है यूज कर सकते हैं। तो आपको चार वेबसाइट जरूर पसंद आई होगी और आज की क्लास भी आप लोग को काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो अगर आप लोग को आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये चारों वेबसाइट कैसे लगी। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग से नए टॉपिक के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।